शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है वेड एंड व्हाइट वन ब्रांड मेकअप लुक. सो आप देख सकते हो कितना प्यारा मेकअप लुक क्रिएट हुआ है. इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट मेकअप लुक क्रिएट किया है. सो देख लेते हैं इस तरीके का लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है. वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा. आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. और चलते हैं वीडियो में किस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है. सो गाइस सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये लेमन ग्रास मिस्ट. अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लिया एंड फिंगर के हेल्प से इसको मैं ड्राई कर लूँगी. लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है DIY लिप बाम. फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय की मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि एलोवेरा वाली है. बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देती है एंड स्मूथ भी कर देती है. प्राइमर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट का प्राइमर जो कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. इसका नेम मुझे पूरा याद नहीं है कि कौन सा वाला है. दो रेडियंस मिलते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर की पैकेजिंग में, ब्लैक वाला था मेरा. नेक्स्ट यहाँ पे पहले हम करेंगे आई मेकअप. तो आई मेकअप के लिए मैंने वेड एंड वाइट का ये फोटो फोकस कंसीलर लिया है. आई एम इन दी शेड लाइट मीडियम बेज. और सचे से एज अ प्राइमर एज अ कंसीलर आई बेस मैंने अप्लाई कर लिया है. और आर्या की ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते हो इसका कवरेज बहुत अच्छा है. सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट का प्रेस्ड कॉम्पैक्ट. आई एम इन दी शेड गोल्डन टैन. और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने आईलेट को सेट कर लेंगे. क्रीज शेड के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आईशेडो पैलेट वेड एंड वाइट का रोज इन द ईयर. इससे एक ट्रांजिशन ऑरेंज शेड लिया है ब्लेंडिंग ब्रश की ये हेल्प से. ब्लेंडिंग ब्रश के लिए मैंने कफ्स एंड लैशेज़ का 009 ब्रश नंबर लिया है. बहुत ही अच्छे ब्रशेज हैं ये, सॉफ्ट हैं, ब्लेंड करने के लिए इजी हैं और स्टडी भी है. नेक्स्ट यहाँ पे शीन के ब्रश की हेल्प से ये डार्क ब्राउन शेड लिया है. और अपनी आउटर व्यू में फोकस करते हुए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है. बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे मैं शेड्स को ताकि आई मेकअप जो है वो एकदम सॉफ्ट लगे. सो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट सेम पैलेट से ये बर्गंडी शेड मैं पिक कर रही हूँ. और अगेन एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है ब्लेंड करने के लिए. जहाँ पर ब्राउन कलर फिनिश हुआ था लाइक मिड एरिया में, मिड आईलिड पे मैं शेड को अप्लाई कर रही हूँ. आई थिंक ये वाला ब्रश गीला था जिसकी वजह से इतने अच्छे से शेड नहीं ब्लेंड हो पा रहा था, बट मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करने की कोशिश की. नेक्स्ट सेम पैलेट से ये ब्राउन शिमरी शेड पिक कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से. और अपने इनर वी में फोकस करते हुए अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी एंड अपनी मिड लाइट आईलेट तक अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि ये एकदम शाइनी चमक वाला मेकअप ना लगे, आई मेकअप ना लगे. सो नेक्स्ट सेम ब्लेंडिंग ब्रश जो मैंने फर्स्ट लिया था उसी ब्लेंडिंग ब्रश से ये ऑरेंज ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ. एंड अगेन अपनी क्रीज के ऊपर वाले एरिया में अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ ताकि जो मेकअप है वो सॉफ्ट एंड ग्लैम लगे. नेक्स्ट यहाँ पर मैं वेड एंड वाइट का ये पेन टिप स्केच लाइनर यूज़ कर रही हूँ और एक बोल्ड विदाउट विंग लाइनर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. यू कैन सी थोड़ा सा बोल्ड लाइनर मैंने अप्लाई किया है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट का खोल न्यूड काजल. और बहुत ही अच्छी पेंसिल है ये, शेड्स इसमें बहुत अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट का ये मस्कारा जो कि इसका स्टिक मुझसे टेढ़ा हो चुका था, इस वजह से मैं इसको यूज़ भी नहीं करती. एंड इसका वॉन्ड जो है वो बहुत पतला है, थिन है, बट ये वॉल्यूम बहुत अच्छी देता है, बहुत अच्छे से लेंथनिंग दे देता है. और ओके वाटरप्रूफ है, इतना नहीं है, स्टिक थोड़ी सी टेढ़ी है इसकी, मुझसे हो गई थी बट मैंने ठीक कर ली थी बाद में. सो अब चलते हैं फेस मेकअप की तरफ. तो फेस मेकअप के लिए फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेड एंड वाइट का फोटो फोकस फाउंडेशन. आई एम इन दी शेड आइवरी बेज. और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आप इसको ट्राई दे सकते हो. आपको ऑन डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाता है. सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. और कवरेज आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज है इसकी, मैट फिनिश आपको देता है ये. सेम वेड एंड वाइट का कंसीलर मैंने यूज़ किया है. यूजली जहाँ भी मैं कंसील करती हूँ वहाँ हम इसे अप्लाई कर लेंगे. एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. और थोड़ा सा लाइटर शेड है ये कंसीलर में मेरे पास. नेक्स्ट सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपने फेस को थोड़ा सा सेट कर लूँगी. नेक्स्ट आईब्रोज़ फिल इन कर रही हूँ. आईब्रोज़ फिल इन करने के लिए मैंने अगेन यूज़ किया है वेड एंड वाइट का ये ब्राउ किट. इसमें भी आई थिंक आपको दो शेड्स मिलते हैं. एंगल ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ. और ये कर्व्स एंड लैशेस का आईब्रो किट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मतलब ब्रश है बहुत अच्छा है. सेम ब्रश से सेम शेड को अपनी वाटर लाइन में
स्मोक आउट कर लिया है। और वेट एंड वाइट के रोज़ इन दी ईयर आई शेडो पैलेट की हेल्प से ब्राउन शेड लेकर के अपने फेस को कंट्रोल कर लूँगी। मैं बहुत ही लाइटली करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं, बट थोड़े से शार्प एजेस देंगे। और इस तरीके से करने से बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलता है फेस पे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का आइकॉन ब्लश, शेड है पिंक। बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। अच्छे से अपने फेस पे ब्लशिंग कर ली है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन वेट एंड वाइट का ये ब्लॉसम गो ग्लो हाइलाइटर, और फैन ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर फेस को मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिपस्टिक लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट की कैश स्वीट लिक्विड लिपस्टिक, आई मीन दी शेड बेरी रेजन करके ऐसा कुछ शेड है। और पहले उसे अप्लाई कर लिया, इसको हल्का सा टोन डाउन करने के लिए मैंने इसी के ऊपर सेम रेंज का गिव मी मोका शेड जो है अच्छे से अप्लाई कर लिया है, ताकि थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए इस तरीके का लाइट शेड। मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही थी, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सी पूरा ऐसा हो रहा था, सो ब्लेंडर से ठीक कर लिया। मैं फाइनल फिनिश लुक आप देख सकते हो, इसे मैंने पैरअप किया है इस ब्लैक कलर की टी शर्ट एंड दिस ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ। आप इसमें नीचे स्कर्ट पहन सकते हो, प्लाजो पहन सकते हो, आपको जो लगता है आप वो भी पहन सकते हो। इस मेकअप लुक को विद दिस सेम ज्वेलरी के साथ आप साड़ी पे भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक लगता है आप देख सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस ऑक्सीडाइज ब्लैक मेटल की चूड़ी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहेगी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड।